आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी? फिट हैं? अरे क्या बात है आपकी भाई, आपसे हम ना सीखते बहुत हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त काम है आपका, क्योंकि आपसे जब मुलाकात होती है ब्रेकफास्ट एट होम में रोज़ाना सुबह, तो इस कदर जानने को मिलता है। और वो कैसे? वो ऐसे कि एक तो वो प्रोग्राम है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, और एक वो प्रोग्राम है जो आप हमारे लिए लेकर आते हैं, जो फेसबुक पेज पे आप प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से हमें नवाजते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। आप बताते हैं कि हाँ जी अब्दुल्ला भाई, ये जनाब उनका सेगमेंट की चीज़ है, फैसल मूवी वाला, सदफ, डॉक्टर, जितने भी हमारे सेगमेंट होस्ट हैं, काशिफ, तहमीना, उन सब के बारे में जब आप राय देते हैं ना, तो वो जो ओपिनियन है, वो आपकी राय, वो हमें प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट और कभी कभी डीकंस्ट्रक्ट करने भी मदद करती है। मिसाल के तौर पे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ आप में मकबूल हो रही है, किस तरह के टॉपिक्स को आप सुनना चाहते हैं, और किस तरह के टॉपिक से आप अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, ला रहे हैं और ला सकते हैं, और किस तरह के मेहमानों को आप सुनना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोग्राम कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ ज़्यादा मुनासिब नहीं लगती है। आज हम आपको इनकरेज करेंगे, आज हम आपको दावत देंगे कि आप अपनी राय दिल खोलकर हम तक पहुंचाइए, इसलिए कि अगर इस प्रोग्राम में कुछ अच्छा है तो जब तक हमें पता नहीं लगेगा तो हम उसको जारी कैसे रखेंगे, और अगर इस प्रोग्राम में कुछ बेहतरी की गुंजाइश है मेरे अलावा, तो हमें कैसे पता चलेगा जब तक आप हमें बताएंगे नहीं। तो ब्रेकफास्ट एट होम हमारा फेसबुक पेज है, या तौसीक हैदर जो मेरा फेसबुक पेज है, किसी पर भी जाइए, इनबॉक्स कीजिए किसी खास सेगमेंट के बारे में, किसी खास प्रोग्राम के बारे में जो पिछले 6 महीने में हम आपके लिए मेहमान लेके आए, उनमें से कौन आपको पसंद आया, किसकी बातें अच्छी लगी। तो आज राय के इजहार का दिन है, प्रोग्राम के हवाले से भी और वैसे भी घर में आपको मुमानी सुरैया की कोई आदत पसंद है? आज दिन है कि मुमानी सुरैया को फोन मिलाएं, या मुमानी सुरैया हमसाय में ही तो रहती है, ये पिछले गली में तो उनका घर है, उनकी तरफ चले जाएं और जाके बातों बातों में उन्हें बताएं कि उनकी कौन सी आदत, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है। इसी तरह चचा जब्बार कितने अच्छे हैं, लेकिन जब तक हम चचा जब्बार को कोई अच्छी उनकी चीज की तारीफ नहीं करेंगे, उनकी किसी आदत की, उनके किसी भी अंदाज से गुफ्तगू की, या कोई भी चीज जो आपको पसंद है, चचा जब्बार को कैसे पता चलेगा ब्रेकफास्ट एट होम की तरह की वो चीज अच्छी है? तो आज हमने सोचना है, देखना है ब्रेकफास्ट होम के अलावा कि आपके फैमिली में, हमसाए में, महल्ले में, आपके मस्जिद के जो मौज़िन है उनकी कोई आदत आपको पसंद हो, एक गली के नुक्कड़ पे जो मोटरसाइकिलों वाले की दुकान है उसकी कोई बात आपको आते जाते अच्छी लगी हो, कोई फ्रूट वाला, आज हमने आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है हमारे इर्द गिर्द जिंदगी में किसकी कौन सी आदत हमें पसंद है, और जाके उसको बताना है, उसको कहना है थैंक यू भाई, आपकी आदत बड़ी अच्छी है, हम इससे सीखते हैं। तो ये है जनाब आज की असाइनमेंट आपके लिए, और ये असाइनमेंट सिर्फ एक दिन नहीं, 2-3 दिन चल सकती है, इसलिए कि आगे वीकेंड आ रहा है, तो 2-3 दिन में सोचना है और इस पे अमल भी करना है। आज एक बहुत ही सबक आमोज कहानी लेकर आ रही हैं अच्छी खाला हमारे लिए। अच्छी खाला बैक इन एक्शन हो चुकी हैं, बीमारी को उन्होंने उठा के वो पीछे फेंका, उनका इस्लामाबाद रावलपिंडी की सर्दी कोई मसला नहीं, और अच्छी खाला आज फुल अपनी फॉर्म के अंदर मौजूद है, और आज बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं जो मेरे साथ अच्छी खाला की कहानी सुनेंगे। एंड ऑफकोर्स आज का दिन होता है जब सदफ हमें ऑनलाइन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से कुछ बात करती है, और एक अहम मसला जो अगेन आपके फीडबैक से ही हमारे सामने आया, वो ये कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पे, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कुछ भी है, यूट्यूब, हम वीडियो कॉन्टेंट को अपने बच्चों के लिए कैसे महफूज बनाएं, यानी हर तरह का वीडियो कॉन्टेंट सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हम वो कैसे हिफाजती दीवार खड़ी करें कि हमारे बच्चों और उस कंटेंट के दरमियान एक दीवार आ जाए। इस हवाले से कुछ टिप्स सदफ हमारे लिए आज लेकर आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप जिंदगी में बहुत सारे मास्टर्स और बहुत सारे पीएचडीज करना चाहते हैं तो ये मुमकिन है। आज हमारे एक ऐसे मेहमान हैं डॉक्टर सादिक खटक, कि जिन्होंने बेशुमार मास्टर्स और न जाने कितने ही पीएचडीज कितने ही कम वक्त में कर रखे हैं। आज उनकी एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही यूनिक कहानी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपने शो में, कि उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान के एक बहुत ही दूर उफ्तादा से कम वसाइल वाले गांव में पैदा होके आप फ्रांस जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके
लोगों को खड़ा होकर अपने आप पर ताली बजवाने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं। तो आज डॉक्टर सादिक हमारे साथ हैं, एक यंग प्रोफेशनल प्रोफेसर। उनकी कहानी मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगी, आज वो कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो ये सब है आज के ब्रेकफास्ट एट होम में आपके लिए हमारे पास, लेकिन नहीं मालूम कि आज हमारे लिए क्या है तहमीना और काशिफ के पास। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तहमीना और काशिफ जी। काशिफ और तहमीना, क्या है आज हमारे लिए? आज गुरु तहमीना जो योगा की एक्सपर्ट है, वो हम दोनों आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं योगा के कुछ एक्सरसाइजेस जो कि आपके ताकत के लिए, जिस्म में लचक के लिए और तवाज़ुन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ताकत, लचक और तवाज़ुन। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम जो अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कल भी हमने चेयर के साथ वर्कआउट बताया था आपने देखने वालों को, आज भी हम बता रहे हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज का अगेन मैं आपको मकसद बता दूं कि इन एक्सरसाइजेस का कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बंदा कर सकता है, ये ख़वातीन, मर्द हज़रात, बूढ़े, जवान, कोई भी कर सकता है। सिर्फ इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं और अगर आप में आप ओल्डर अडल्ट हैं, ये कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया, तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहली एक्सरसाइज जो करनी है, कोई भी वर्जिश स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा से कहते हैं कि आपकी सेहत और तबीयत के मुताबिक, हर वर्जिश की हरकत नहीं होती है तो उसके मुताबिक आपने वर्जिश। अच्छा जी, आप सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे कि जैसे आप बैठे हुए हैं सीटेड, कोशिश कीजिएगा कि बैक स्ट्रेट हो और आप इनहेल करेंगे अप एंड एक्सहेल डाउन। ठीक है, अगेन इनहेल ऑल द वे अप, ऑल द वे, बैक स्ट्रेट रखनी है आपने और एक्सहेल, अपने पट्ठों को स्ट्रेच होता महसूस करना है। आपने ऐसे नहीं कि यूं किया और यूं किया, ऐसे नहीं करना, आपने बैक स्ट्रेट बिल्कुल एक्टिव होके और महसूस करना है पट्ठों की जो उसमें खींचा तानी हो रही है। फटो कैसे कैसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ढीले नहीं रहना और यूं नहीं करना और यूं नहीं करना, आपने बिल्कुल स्ट्रेट, इजी, एक्टिव। लेकिन मुझे तो वो ज्यादा मजेदार लग रहा था। लेकिन उससे आपके सारे पट्ठों का खिंचाव नहीं होगा ना, इसमें स्ट्रेच आ रही है। जब हमने इनहेल किया, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप भी किया, उसके अलावा अपर बॉडी को भी आपने स्ट्रेच किया। ठीक है, वहीं से आप जैसे यूजली फॉरवर्ड बेंड में जाते हैं, विल कम ऑल द वे डाउन। अब हम लेग स्ट्रेट नहीं अपनी कर रहे हैं, आप बेसिकली पांव जोड़ के आप नीचे आएंगे जितना आ सकते हैं। अगर आप नीचे टच नहीं भी कर सकते पेट की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप फिंगर टिप्स लगा लें एंड देन यू ट्राई टू पुश। और अगर आप दिखा सके मेरे हाथ कितना आगे जा रहे हैं, ये मेरी। अच्छा, ये बताइए ट्रेनर तहमीना कि अगर कोई ऐसे बेंड डाउन करके जमीन पे हाथ लगा पा रहा है, इसका मतलब है उसका पेट वेट का मसला नहीं है? पेट से ज्यादा होता है लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि कुछ लोग माशाल्लाह से मैंने देखा है अपने लाइफ में कि इवन अगर उनका वजन भी ज्यादा है, वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि इवन समटाइम्स मैं देख के कहती हूँ यार हाउ कम यू डू दैट। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं ट्राई करूं? आप करें, ट्राई कीजिए। यस, यू शुड डू इट। अगर लग गए, लगे तो आप फिट हैं। तो आज का नाश्ता, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होने लगा है कि मैं फिट हूँ या नहीं हूं, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी का पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन अब ये जो मैंने ऊपर ये इस कदर डिजाइनर किस्म का कोट पहन रखा है, बस कोशिश करें हल्की फुल्की, अगर आप लगेगा कि ऐसे ऐसे आप बैक स्ट्रेट करें, पहले बैक स्ट्रेट हो गई, घुटने करीब करें, करीब हो गए, अब आएं और आया बैक को राउंड नहीं करना, ये लगाए हाथ यहाँ पे पूरे लग गए, ये ग्रेट। ओके जी, लेकिन तो ये तो बहुत थोड़ा सा चीट किया आपने, आपने वाइड कर लिया। अच्छा, यूं रख, हम साइड पे घुटने जोड़ के ताकि वो ये नहीं, ये नहीं, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, दैट्स फाइन, आप तो माशाल्लाह आप फिट हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा जी, बैक जो आपकी लोअर बैक की रोटेशन या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आप चेयर पे साइड पे बैठेंगे, आपने होल्ड करना है चेयर को यूं। ठीक है, अभी आप इससे देखेंगे कि पूरी की पूरी स्पाइन जो है आपकी मूव हो रही है। नहीं, इट्स यू नो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर स्पाइन एंड लोअर बैक। एंगल की बात की जाए, इसमें 180 का एंगल बन रहा है क्योंकि मैं इस तरफ इस जाने बैठा हूं और मैंने अपर बॉडी को रोटेट किया पूरा, लोअर बॉडी लॉक है और ट्विस्ट किया और यहाँ लॉक किया, और बहुत स्लोली आपने करना है, ये नहीं कि आप यूं कर गए हैं कि ये तो मैंने आपको बताया है कि स्लो करना है, बिल्कुल नाइस एंड कंट्रोल फॉर्म। अच्छा, दूसरा ये कि इन पोजीशंस का दूसरी साइड पे भी करना, इन दोनों साइड पे, बिल्कुल काशिफ ने सही कहा कि दोनों साइड पे करना है, और आपने कम से कम भी आपने 15 सेकंड या 20 सेकंड तक आपने इनको होल्ड भी करना है। ठीक है, हम अगले पोस्चर की तरफ जाएंगे। 15 सेकंड तक होल्ड, कैसे होल्ड से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर हमारे नए नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, यहाँ तक टाइम देखिए, 1, 2, 3 15 सेकंड्स तक, या घर में घड़ी भी है। हाँ। अच्छा, ये जैसे यूजली हम साइड लंजेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो एक ये सिर्फ आसानी इसमें ये है कि आपके लिए इजी है बैठना। ठीक है, अब आपको वो जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लेकिन सॉरी काशिफ को मेरी वजह से थोड़ा सा बेंड करनी पड़ी है लेग। अच्छा, आप जैसे ये बिल्कुल बैठ गए किसी भी चेयर पे, पहली चीज होती है जिसको कहते हैं वॉरियर 2। ठीक है, कि बिल्कुल आर्म्स आपके स्ट्रेट है एंड यू लुक टुवर्ड्स
सॉरी मुझे थोड़ी सी याद है, जहां पे आपका ये वाला सीधा हाथ होगा तो आपने नाक की सीध की जानिब वहां देखना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप उस तरफ है तो आपके उल्टे हाथ की जानिब उस तरफ देखना है आप जी। तो अभी अगर ये वाली पोजीशन है तो मैं सामने देखूंगा और गर्दन को गैर जरूरी जोर नहीं दूंगा, बिल्कुल कम्फर्ट जोन में लेके आएंगे। ये उर्दू का गूगल ट्रांसलेटर आपने किधर से ढूंढा है ये जिसका नाम काशिफ? तौसीक भाई बहुत सारी जगहों पे मैं फंसता हूँ तो मुझे उनसे हेल्प मिलती है और देखिए दोस्त एक्चुअली क्लासेस में ना आदत हो जाती है मुझे, जैसे कई दफा आदत हो जाती है बोल बोल के ना, मतलब क्लाइंट्स के साथ वो इंग्लिश में तो वो फिर लेकिन काशिफ मुझे बहुत हेल्प करते हैं कि कम से कम हमारे देखने वालों को भी ऊपर जा रहे हैं तो आप ऊपर भी देखिए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रायंगल बेसिकली, जो आप वॉरियर 2 रिवर्स वॉरियर 2 या जो भी है, तो जैसे आपने स्ट्रेच किया एंड देन यू रिवर्स इस हिस्से को, आपके ये हिस्से भी इंगेज होगा जी, और यहाँ पे भी स्ट्रेच पड़ा है और यहाँ भी स्ट्रेच पड़ा है, और अगर यहाँ हाथ रखना है होल्ड करना है और टाइट। काशिफ अब लेग बेसिक स्ट्रेट कर लें, कोई इशू नहीं है। अगर ये आप बगैर चेयर के कर रहे हैं तो सारा का सारा आपका जो स्ट्रेंथ आपको बेसिकली चाहिए दैट्स योर लो बॉडी एंड ऑफ कोर्स योर कोर, तो वो फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन चूंकि हमें चेयर सपोर्ट कर रही है तो आज हमने हाथ होला रखा है कुर्सी के ऊपर, कोई भी इसको जो है मतलब एक्सरसाइज को कर सकता है, जो ओल्डर एडल्ट्स भी हैं या जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की है उनके लिए भी आसानी होगी कि वो इजीली इसको, अगर ये वाली हरकतें आप चेयर के कुर्सी के बगैर करेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा अगली एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा ये एक्सरसाइज, उसके बाद हम एक एक्सरसाइज इसको कहते हैं ईगल पोज, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि बेसिकली यू क्रॉस योर हैंड्स लाइक दिस, और अगर पॉसिबल, वैसे आज हमने जूते पहने हुए, जूते पहनने नहीं चाहिए थे काशिफ को मैं फंसा कर काशिफ वैसे नहीं बैठना, अच्छा ना बैठूं, यू यू विल कम हियर, ओके। अच्छा चलो, जब व्हेन यू स्टैंडिंग तो देन दिस इज इजी, लेकिन अब जस्ट टेलिंग यू, ठीक है कि आपने ये किया, ठीक है होल्ड करके, अगर आप चाहें तो यू कैन लिफ्ट इट अप, जब आप लिफ्ट अप करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कितना ज्यादा आपको प्रेशर, बहुत ज्यादा जी, और ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी शोल्डर्स की, अपर बैक की, इसमें बहुत ज्यादा आपको इन्वॉल्व होता है, होल्ड करके रखना, स्ट्रेच करके रखना। अगर मैं यहां से दिखा सकूं आपको कि क्या हालात हो रहे हैं मेरी कमर के, मेरे बाजुओं के पट्टों जी जी, और जितना आप उसको ऊपर लेके जाना चाहें आप उसको प्रेस कर सकते हैं, नीचे भी अगर आप क्रॉस करना चाहें तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। लास्ट हमारी एक्सरसाइज है आज की, इसी तरह से बैठ के आपने आर्म स्ट्रेट किए, ठीक है, अभी यहाँ से यू क्रॉस हियर एंड यू लुक अप, ठीक है। अब अगेन आप लंच की सूरत में आते हैं और अपर बॉडी को यू मूव करते हैं, आपने सामने देखना है और स्ट्रेच रखना है। यूजली हम योगा में कहते हैं इस पोज को चेयर पोज, चेयर पोज के ऊपर फिर देन यू बेंड, तो अभी जब बैठे हुए हैं तो स्टिल आपको इफेक्ट होगा, इससे आपका कमर का निचला हिस्सा, आपके कूल्हे, आपके कंधे, हर तरफ स्ट्रेच और दर्द महसूस होगा। ये 15-20 सेकंड आप होल्ड करेंगे एंड देन यू विल मूव ऑन द अदर, जो मीठा मीठा दर्द होता है। देखिए एक चीज को हमने साथियों जरूर ध्यान रखना है कि ट्रेनर तहमीना और ट्रेनर काशिफ आज जब आपके सामने ये एक्सरसाइजेस कर रहे थे तो क्योंकि हमें बता रहे थे, सिखा रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे, इसलिए वो साथ साथ बात भी कर रहे थे और बोल भी रहे थे। लेकिन इन एक्सरसाइजेस का लुत्फ आप तब उठा सकते हैं असल मानों में कि जब आप बिल्कुल खामोशी के साथ इन एक्सरसाइजेस को करें और आप अपने अपने जहन को बाकायदा उस एक एक मसल के साथ कनेक्ट करें और कोई तेजी की जरूरत नहीं। अगर हाथ यू मूव करके ऊपर जा रहा है तो आपकी नजर अपने हाथ के साथ मूव करें, अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करें, भूल जाएं कि बिजली का बिल जमा होना है आज, भूल जाएं कि उसी अफसर की, अपने बॉस की का चेहरा खूबसूरत सा दोबारा से देखना है आज। इन तमाम जिंदगी के मसाइल को सिर्फ आपने 15 मिनट के लिए भूलना है और कनेक्ट करना है अपने जहन को, अपने ब्रेन के सेल्स को, अपनी बॉडी के साथ, और आप यकीन कीजिए कि आप सेहत के अंदर बेहतरी महसूस करेंगे, आप अपने ताल्लुकात में, रिलेशनशिप्स में, दोस्तियों में, हर चीज़ के अंदर, ज़िंदगी का हर काम आपको सहल और आसान लगने लगेगा अगर आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन 15-20 मिनट योगा सेशंस तो अंदर की पीस के लिए होता है, इंटरनल पीस के लिए बेसिकली। तो ये बहुत सही बात की तौसीक भाई ने कि आपको अंदर स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है इनर की और इनर पीस भी चाहिए होती है, तो इसके लिए खामोशी और बिल्कुल सुकून से। और आज का हमारा जो वर्कआउट हुआ इख्तिताम पे पहुंचा, लेकिन आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा जो हमारा किड सेगमेंट के बाद होगा उसमें एक और चीज़ है कि बच्चों की सिर्फ विजुअल नहीं, उसमें कुछ ऑडियो कंटेंट भी पड़ा हुआ होता है सोशल मीडिया पे और कुछ लिखाई भी होती है, उसका भी आपने ख्याल रखना, उसके बारे में लाजमी बात कीजिएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच काशिफ फॉर द स्टेप। ट्रेनर तहमीना, ट्रेनर काशिफ, ग्रेट वीकेंड अहेड आप दोनों के लिए। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूर यहाँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद अच्छी खाना बिल्कुल तैयार है। आज ना परी की कहानी है, ना देव की कहानी है, ना जिन की कहानी है, ना भूत की कहानी है, आज किसकी कहानी है?
सरप्राइज सरप्राइज, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं अच्छी खाला से और कहानी सुनते हैं। सब लोग इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि हमारे स्टूडियो में सारा क्रू इकट्ठा हो जाता है जिस दिन होती है अच्छी खाला। अस्सलाम वालेकुम साहब, जनाब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और देखें अच्छी खाला, आज हमारे साथ है फरहीन, माशाल्लाह, आयान और अलिशबा। और हाँ जी, और अलिशबा सबसे छोटी है, है ना? और अलिशबा आप कौन सी क्लास में? प्रेप में। अच्छा, और अलिशबा के बाल कितने खूबसूरत है ना, वो जो आप जिन परियों की कहानी सुनाती हैं, उनके बाल अलिशबा जैसे होते हैं। अलिशबा जैसे है ना? अच्छा अच्छी खाला, जैसे कि मैं अभी ब्रेक से पहले सबको बता रहा था कि आज ना किसी भूत की कहानी है, नहीं, ना देव की, नहीं, ना जिन की, ना परी की, नहीं नहीं, आज किसकी कहानी है भाई? आज जो है वो एक आदमी की कहानी है और उसका एक बच्चा है, जो मैंने कहा कि ये बच्चे सुनते हैं, एक बच्चे को भी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, बच्चे की कहानी। अच्छा, बच्चा जो है वो है 2 या 3 साल का। अच्छा, छोटा है। हाँ, छोटा है, आयान से छोटा। हाँ, अलिशबा से भी थोड़ा छोटा, इतना छोटा है। और उस आदमी का, और उस आदमी का नाम जो है वो है अहमद। ठीक है जी। अहमद जो है वो, उसको बहुत शौक है शिकार खेलने का, शिकार का बहुत शौक है। अल्लाह मियाँ ने उसे एक बड़ा खूबसूरत सा घर दिया हुआ है, एक बड़ी खूबसूरत बीवी है, एक बेटा है 2-2.5 साल का वो है, और एक उसका पालतू कुत्ता है। यानी ये कहानी है अहमद की, उसके बेटे की और पालतू कुत्ते की। ठीक है। अच्छा, उसका नाम अच्छी खाला भी आपने रखा है या अभी नहीं रखा? नहीं, उसका कोई नाम अभी नहीं रखा, कोई नाम। चलो अभी कहानी के एंड तक हम सजेस्ट करेंगे कि क्या हो। तो उसके बाद हाँ, बच्चे भी सजेस्ट कर सकते हैं कि उसका क्या नाम रखें। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल, तो जनाब वो अहमद जो है वो बहुत मुतमइन है अपनी जिंदगी से। ठीक है जी। और जनाब अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया हुआ है, बच्चे भी सब है, घर है, सारा कुछ है, कोई फिक्र नहीं है। उसे शौक फकत एक है, शिकार खेलने का। ठीक है जी। और वो जाता है जंगलों में शिकार खेलता है, और उसके बाद जब घर आता है तो वो जो परिंदे हैं उसमें से कुछ जो हैं वो तो खाने के का लायक होते हैं, वो खा लिए जाते हैं, और बाकी कुछ जो है वो बच्चों के खेलने के लिए। ठीक है। छोटी छोटी चिड़ियाँ, छोटे छोटे तोते, इस किस्म की चीजें जो पिंजरों में, हाँ ये हंस रही हैं इनको। हाँ, आपका भी कोई पेट है फरहीन? को बर्ड्स अच्छे लगते हैं आपको? कोई पेट है आपको? कोई पेट है, कोई आपने जानवर रखा है घर में? नहीं अभी नहीं रखा। अभी नहीं रखा तो रखे ना। हाँ। कोई कैट रख ले, बिल्ली, क्या रखा? पिजन, कबूतर। वाह, तो ये तो परिंदा हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। और आयान, आपका कोई पेट है? नहीं नहीं, अलिशबा का भी नहीं, कभी नहीं है। तो रखो बेटे, पेट तो बड़े अच्छे होते हैं। कोई छोटी सी बिल्ली रख लो, आप डॉग रख सकते हो, कुत्ता रख सकते हो, कुत्ता तो बहुत वफादार जानवर है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ अहमद के कुत्ते की कहानी? ये कहानी है, और बहुत खुशी-खुशी वो लोग रह रहे थे, पाकिस्तान का इलाका है। ठीक है, पाकिस्तान और फॉरेस्ट है, जंगल है, कश्मीर का इलाका, नथिया गली का इलाका समझ लें। ठीक है, तो जंगल भी है और वहाँ शिकार भी मिलता है, सभी कुछ। तो जनाब होता ये है कि एक दफा बड़ा सख्त जलजला आता है, आपको याद आ गया होगा, एक दफा बहुत सख्त जलजला पाकिस्तान में भी आया था 2008 में, 2005 में। तो जनाब इतना सख्त जलजला आता है कि अहमद जो है वो बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को निकालता है, कुत्ता भी आ जाता है, लेकिन अहमद की बीवी जो है वो घर में दब जाती और वो नहीं निकल सकती। वो अब अहमद जो है वो, उसका वो घर भी सारा तबाह हो जाता है, बीवी भी दब जाती है, वो बहुत ही उदास होता है। और इस उदासी में वो शहर से बाहर निकल के जंगल के करीब ही जो है वहाँ पे वो एक 2 कमरों का घर बना लेता है छोटा सा,
उसके आगे उसका एक होता है बड़ा जमीन का हिस्सा होता है, उसे वो जो है उससे तारों के साथ उसकी हैज बना देता है, ठीक है, और एक गेट लगा देता है और अपने बच्चे को, कुत्ता उसके साथ है, जानवर है ना वो तो एकदम वक्त से पहले जलजले से पहले निकल जाते हैं, तो कुत्ता जो है वो उसके साथ है, ठीक है, बहुत वफादार। अब उसको जरूरत है कि मैं अपने घर के खर्च के लिए शिकार करूं। अब वो शिकार करता है बेचने के लिए, परिंदे बेचने के लिए, जो शिकार किए हुए जानवर उनका गोश्त वगैरह जो भी है वो बेचने के लिए, और अपने बच्चे को घर में बिठा कर कुत्ते को उसकी हिफाजत के लिए बिठा जाता है। छोटा सा बच्चा, 2 साल का, 2-2.5 साल का बच्चा, और दरवाजा बंद करके और चला जाता है। कुत्ता जो है वो उसके दरवाजे की दूसरी तरफ बैठा रहता है। कुत्ते को, बड़ा समझदार जानवर है वो, उस बच्चे की हिफाजत जो है उसके लिए, एक कमरे में बच्चा खेलता रहता है वो दूसरी तरफ बैठता है, कभी बच्चा बाहर लॉन में आ जाता है वो घूमता फिरता है वहां, भागता दौड़ता लेकिन है, कुत्ता उसका ख्याल, रखता है बैठे बैठे। एक दिन क्या होता है कि जंगल में से एक भेड़िया आ जाता है। भेड़िया का पता है क्या होता है? जानवर एक जंगली है। भेड़िया क्या होता है जी? फॉक्स होता है या वुल्फ होता है? भेड़िया कहते हैं उर्दू में। तो जनाब भेड़िया आ जाता है और वो जब उसको, अहमद के बच्चे को खेलते हुए देखता है ना, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो तो इंसान के बच्चों को खाता भी है और जख्मी भी करता है। वो जनाब वो जो हैज होती है उसको फलांग के अंदर आ जाता है और कहता है यम यमी यम यमी, उस बच्चे के पीछे भाग लेता है। बच्चा खौफ के मारे, डर के अंदर भागता है कमरे में, और उसका कुत्ता जो दरवाजे में बैठा है वो आ जाता है भेड़िए के मुकाबले पर, और जनाब वो भेड़िया और वो लड़ते हैं एक दूसरे को, लेकिन कुत्ता जो है वो अकलमंद जानवर है, वो भेड़ियों को गर्दन से पकड़ लेता है और जनाब भेड़िये को मार के उसको घसीट के ना उधर दूसरी तरफ कमरे में डाल देता है, और खुद जनाब वहां बैठा है अंदर ही बच्चे के पास आ जाता है। इतने में उसे आवाज आती है किसी के आने की, तो जनाब उसको समझ आ जाती है कि अहमद वापस आ रहा है, मालिक वापस आ रहा है। वो भाग के बाहर जाता है अपनी वो सारी कार्रवाई समझाने के लिए। जब वो अहमद उसे देखता है तो कुत्ते के जिस्म पर भी खून लगा हुआ है, उसके पंजों में भी खून लगा हुआ है, उसके मुंह में भी खून लगा हुआ है। अहमद को एकदम ये ख्याल आता है कि इस कुत्ते ने मेरे बच्चे को मार दिया। अब जनाब आओ देखा ना ताओ, वो सोचे समझे बगैर जनाब बंदूक में गोली भरता है और एक शूट करके कुत्ते को मार देता है। कुत्ते को मार देता है। अब जो वो अंदर आता है तो देखता है कि उसका बेटा तो खिलौनों से खेल रहा है और दूसरी तरफ भेड़िया जो है वो मरा पड़ा है। अब जनाब वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैंने अपने वफादार कुत्ते के साथ क्या किया, वो जो है उसने मेरे बच्चे को बचाया और मैंने उसकी जान ले ली, लेकिन बेटा अब पछताने से क्या होता है? जब आप कोई भी फैसला सोच समझ कर नहीं करते, उसे सोचते नहीं हैं और एकदम कोई फैसला करते हैं तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक जी, बस ये पूछना कि वो जलजला कहाँ से आया था? हाँ जी, जलजला कैसे आता है? जलजला बेटा यूं आता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हमारी जमीन के नीचे वो आतिशफिशां पहाड़ होते हैं, लावा होता है, एक होता है वो गरम गरम, और वो पहाड़ के ऊपर से जब जहाँ से सतह उसको नरम मिलती है वो वहाँ से ऐसे निकलता है जोर से, उसके निकलने से जमीन थर थर आने लगती है, उसे जलजला कहते हैं। ये ज्योग्राफी का है सवाल, जिसने ज्योग्राफी पढ़ा है उसको पता चल जाएगा। जिस जलजले का जिक्र आज अच्छी खाला ने जिक्र किया, 2005
वो 8 अक्टूबर की तारीख थी। हाँ जी। और सुबह 8 7.5 इंटेंसिटी का 752, अब देखे तकरीबन यही वक्त था, सुबह 752 पे ज़लज़ला और 7.5 इंटेंसिटी का था, इंटेंसिटी का था और तकरीबन 85,000 अफराद पाकिस्तान में उनकी जान चली गई थी, और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सब जगह फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा हुआ था। तो जनाब आज की कहानी जो है वो थोड़ी सी खौफनाक भी थी, लेकिन ये जरूर है कि हमें हर काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जो हाँ बिल्कुल सोचना चाहिए, जो चीज आपको नजर आती है वो हकीकत में अक्सर होती नहीं। और अच्छी खाला मैंने ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये इंसान की फितरत के अंदर शायद है कि वो फौरी तरह से अंग्रेजी के लफ्ज़ है एग्जैक्टली कि इंपल्सिव होता है। हाँ। आप फौरी तौर पे एक फैसला करते हैं और बाद में फिर आप पछताते हैं, फिर वो उर्दू का मुहावरा है, अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है जी। अब इनको मुहावरों का पता है कि नहीं जी आयान? वो बल्कि वो शिकार करना एनिमल्स को वो बुरी बात होती है, अगर ज्यादा कड़ी बुरी बात होती है, अल्लाह गुस्सा होते हैं। ये भी पॉइंट, ये भी बड़ा पॉइंट ठीक है कि हाँ। शिकार करना एनिमल को बुरी बात होती है। हाँ। लेकिन बेटा बाज जो होते हैं लोग, वो उनकी बिजनेस भी होती है। हाँ, गुजर बसर ही, तो गुजर बसर इसी पे, जैसे अब अहमद की थी कि उसके पास कुछ नहीं रहा था, अब वो अपने बच्चे को किस तरह करता, तो वो वही जानवर पकड़ के बेच कर उनको या कुछ करके फिर वो अपने घर के लिए चीजें लाता था, खाना पीना सौदा सलफ, और अपने बच्चों को खिलाता था। भाई बहुत मजे की कहानी भी थी, थोड़ी सी जरा डिप्रेसिंग सी। और मैं और सदफ हमेशा कहानी सबसे ज्यादा गौर से है ना, मैं और सदफ देख रहे होते हैं। अब सदफ का वो जो सेगमेंट भी शुरू होना है, और अभी से वो टिश्यू पेपर से आंखें पोंछ रही हैं, तो आज की कहानी ने आंखों में आंसू भी लेके आए। अच्छी खाला थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया, बहुत सबक आमोज कहानी थी। बच्चों कहानी से आपने सबक भी सीखना है कि फौरी तौर पे फैसला नहीं करना, अगर किसी पे फौरन गुस्सा भी आया है उसको जब्त करें, और गुस्से का इजहार करने से पहले ये देखें कि क्या वाकई गुस्सा सही बात पे आया है, कहीं ऐसा तो नहीं, इंतजार करें, थोड़ा सा देखने करें। में आपको कई दफा सूरत हाल फर्क लग रही होती है, असल में फर्क होती है। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, हम चल करेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर यहाँ ब्रेक। अगली दफा कहानी खौफनाक नहीं होगी। हाँ अगली दफा कहानी में अच्छी खाना परी भी होनी चाहिए और शहजादा भी होना चाहिए। शहजादा और परी तो शायद ना हो, लेकिन होगी कोई जादू की भरी कहानी। जादू भरी कहानी बस बड़ी पॉपुलर जाती है। अच्छा, हम चल करेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो सदफ अपने आंसू शो से पहुंच के बिल्कुल तैयार है आपका सेगमेंट सजा के। रहिए मेरे साथ। ओके ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आप सबको पीटीवी न्यूज, पीटीवी ग्लोबल यूएस, पीटीवी ग्लोबल यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गल्फ, इंडिया, बांग्लादेश, पता नहीं कहां कहां हमारा प्रोग्राम देखा जाता है। खासतौर पे ऑनलाइन हमारे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम सबको कहेंगे भाई वेलकम वेलकम वेलकम, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी पसंदीदगी से हमारा शो जो है वो जगमगाता सा जा रहा होता है। हमारे साथ आज मौजूद है सदफ, और सदफ जो है आज एक बहुत अहम मौजू लेके आई है, लेकिन वो मौजू तो बस पीछे ही रह गया आज। सही बात है, आप कैसे इतनी खुशी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मैं तो अभी तक उस बेचारे बेनाम कुत्ते की उसमें उदास हूँ। भाई जब उसकी वफात की इत्तला मुझ तक पहुंची, मैंने कहा अब इसको नाम देने का क्या फायदा, अब तो बस गया। हाँ वो बेचारा पेट सेमेट्री के अंदर जाके हाँ, लेकिन पेट सेमेट्री के जो या उसका... फैसल मूवी वाला से पूछना पड़ेगा कि किसी तरह वापस लाया जा सकता है फिल्मों में ऐसा होता है दूसरा रंग देने के लिए। लेकिन आज जरा दिल उदास करने वाली कहानी थी। सही बात, और क्योंकि कहानी का मॉरल जल्दबाजी पे था, तो एक ऐसा जल्दबाजी वाला फैसला मैंने आजकल पेरेंट्स को बड़ा करते हुए देखा है, जो YouTube और ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं
उनके बारे में, क्योंकि इतनी खौफनाक बातें कभी सुनने को मिलती हैं कि जो मुझे एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन नज़र आता है अक्सर पेरेंट्स में, यंग पेरेंट्स में स्पेशली, वो ये होता है कि बच्चों को यूट्यूब बिल्कुल ना दिखा, देखने ही ना दिया जाए. ठीक है. और ये भी एक जल्दबाजी का फैसला है, क्योंकि आप जो भी कहें, जाहिर है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जब देखी जाए तो उसके नुकसान तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप इत्तेदाल से बच्चों को एक ऐसी टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे जो अब दुनिया में प्रोग्रेस के लिए, हर चीज़ के लिए एक बहुत बुनियादी चीज़ बन गई है. और दूसरी बात ये कि इन सारी वीडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतना ज़्यादा एजुकेशनल मटेरियल है, इतना ज़्यादा लर्निंग मटेरियल है, तो जो एक कॉम्पिटिटिव एज अब हमें चाहिए, अब उसे हम डिनाई नहीं कर सकते, वो कॉम्पिटिटिव एज उनके हाथ से निकल जाता है. तो एक ये जल्दबाजी वाला गट रिएक्शन देने के बजाय थोड़ी समझदारी, मुझे छुरी के बारे में कहते हैं, छुरी का इस्तेमाल गलत या सही हो सकता है, छुरी गलत या सही चीज नहीं, इससे आप सेब भी काट सकते हैं और आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. तो यूट्यूब भी बिल्कुल उसी तरह से, यूट्यूब गलत चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल सही या गलत हो सकता है. तो आज का हमारा मौजू यही है कि यूट्यूब स्पेशली और दीगर भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके इस्तेमाल जब बच्चे करना शुरू हो तो किन बातों का पेरेंट्स को, स्पेशली उनके गार्जियंस को क्या ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग मोबाइल पे यूट्यूब अपने बच्चों को देते हैं, यूट्यूब ने, और क्योंकि यूट्यूब गूगल का एक हिस्सा है, गूगल ने बहुत अरसे 2-3 साल काम करके यूट्यूब किड्स के नाम से एक एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई है. अच्छा. और यूट्यूब किड्स जो है वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल देती है. अच्छा. क्योंकि हमने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि बच्चे जो है आप टेक्नोलॉजी वाइज हमसे थोड़े से आगे हैं, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना यूजुअली बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं. लेकिन जब आप यूट्यूब किड्स के ऊपर आते हैं तो वो एक पेरेंट के अकाउंट से लिंक्ड होता है और उसके पास आपके पास बहुत सारे कंट्रोल्स हैं. आप एक दफ़ा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वो आपके अपने अकाउंट से लिंक्ड होगी, फिर आप जाके बच्चे को देने से पहले ही सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से वो चैनल्स हैं, कौन से वो प्रोड्यूसर्स हैं जो बच्चों के लिए सेफ कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. अच्छा, ये बताइए कि जो YouTube Kids है, आप क्या रिकमेंड करती हैं ये 12-13 साल तक के बच्चों को, इस पे अच्छी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल प्रोडक्ट्स मिलती हैं? इस पे मिलती हैं, और 12-13 साल के बच्चे उन तक तो जाहिर है एजुकेशनल प्रोडक्ट्स, अब तो बच्चे रोबोटिक्स के अंदर बहुत सारे आ गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें उनको मिल सकती हैं. आजकल बहुत सारे लोग बिल्कुल वो जो अहमद के बेटे जितने जो बच्चे होते हैं, 2-2.5 साल के बच्चे, उनके हाथों में भी अक्सर मैं मोबाइल्स देखती हूँ. तो उन बच्चों के लिए भी अगर आप थोड़ी सी सर्च करें तो जैसे नर्सरी राइम्स हैं या शेप्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, वो वाली चीज़ें, कलर्स जो प्ले ग्रुप में जाके कोई बच्चा सीखता है, वो अवेलेबल होते हैं. हाँ, लेकिन जाहिर है वो एहतियात, स्पेशली अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो ये लाजमी करनी है कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ना हो. पूरे दिन में आप कम 15-20 मिनट से ज़्यादा उनके हाथ में मोबाइल ना पकड़ाएं, क्योंकि फिर वो पोस्चर वाली भी बात आ जाती है, आँखों वाली भी बात आ जाती है. और एक चीज़ जो उस उम्र के बच्चों के लिए हमें ख़ास कर जहन में रखनी है कि वो बच्चा दुनिया के बारे में सीख रहा है, और अगर उसकी जो इंट्रोडक्शन है, जो उनकी सारी नॉलेज है, वो यूट्यूब से आ रही है, किसी वीडियो चैनल से आ रही है, तो उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि जैसे मैंने स्क्रीन पे कुछ टच किया और अगले लम्हे वो चीज़ हो गई. मैंने गेम में या यूट्यूब में देखा एक पौधे में पानी किया और पौधा निकला, फूल लगे, फल आ गए, तो उनके जहन यही बनना शुरू हो जाता है कि असली ज़िंदगी में भी ये होता है. तो वो जो बच्चों में ज़िद, और हम कहते हैं ना बच्चे बहुत बेसब्रे हो गए हैं, चाहते हैं कि इंस्टेंटली कोई काम हो जाए, तो उनका जब जहन बन रहा है, वो दुनिया के बारे में सीख रहा है, उन्हें नहीं पता कि एक पौधे को उगने में कितना टाइम लगता है, बीज लगना, पानी देना, ये 1 सेकंड या 1 मिनट का काम नहीं है इसमें कई. लेकिन उसने उस वीडियो में, क्योंकि उन्होंने देखा एनिमेशन में, उस वीडियो में ऐसे देखा था, तो वो समझते हैं दुनिया ऐसी है और मैं टच करूंगा और चीज़ें चेंज हो जाएंगी. क्योंकि ये होता है ना कि आपको ये वीडियो नहीं पसंद आई, नई चीज़ आ गई, तो अब वो अपनी आसपास की सिचुएशन में भी वो चाहते हैं. तो जो सिलेक्शन है वो एक्चुअली इतनी आसान नहीं है कि बस आपने कार्टून लगा दिया, इसके अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई ऑब्सीन एडल्ट थीम ना हो, तो ठीक है. उसके अंदर जो मैसेजिंग है, उसके अंदर जो बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं, वो कार्टून्स, टॉम एंड जेरी बड़ा हमारा फेवरेट कार्टून होता था,
अभी भी है मेरा, अभी भी है, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ, और मैंने अपने मेरा 2.5 साल का बेटा है, उस दिन कोई एपिसोड आ रही थी, मैंने बगैर सोचे समझे बिठा दिया, उसके बाद उसने जो मेरी बेटी की पिटाई करनी शुरू की तो मैं वो बन गया टॉम और बेटी बन गई जेरी नहीं वो जेरी बन गया अच्छा वो जेरी बन गया और उसने टॉम की पिटाई करनी शुरू तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखना होता है। वैसे सदफ आपकी इजाजत से मैं एक टिप ये जरूर देना चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त निकालिए और सिर्फ सिलेक्शन इस बुनियाद पे ना करें कि इसकी रेटिंग कैसी है, एक दफा वो मुकम्मल चीज एक दफा आप खुद एंड टू टो टॉप टू टो पूरी की पूरी देखें जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट, खुद एक दफा पूरी चीज आप देख लें और फिर वो बच्चे को दिखाएं, ये बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको ट्रस्ट होगा कि आपने क्या दिखाया है। और जो दूसरा पॉइंट आप कह रही थी, मैं उस पर जरा वापस आना चाहूंगा कि वो आम जिंदगी में भी समझने लग जाता है कि बस ये वाला चीज पसंद नहीं आई, ठक चेंज, तो कल को वो कहेगा ये अब्बू पसंद नहीं है, अब्बू चेंज, अम्मी चेंज, खाला चेंज, बहन चेंज, भाई चेंज, उनका एटीट्यूड वो रिश्ते भी कहेगा कि ये मुझे पसंद नहीं है, चेंज करो। बिल्कुल, वो जो एटीट्यूड है ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जो बात है ना, वो बच्चों में बहुत ज्यादा इससे डेवलप हो जाती है। क्या देती है कि आम जिंदगी में जो ग्रो कर रहे हैं, एक तो ये कि बिल्कुल ये जो मैं आपको तस्करा कर रही थी, वो जो पौधे वाला सिलसिला था, तो मैंने रियलाइज किया कि हालांकि वो मैंने अपनी तरफ से दिखाया था कि भाई मेरे पास एक्सपोजर नहीं है, गार्डन नहीं है, तो उसको समझ आए कि किस तरह पौधे बढ़ते हैं, लेकिन फिर जब मुझे अंदाजा हुआ कि ये कर रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो फ्लैट की बालकनी में उससे जाके लहसुन उगवाए, और पिछले 4 महीनों से आई एम फॉलोइंग अप कि देखो अब हम रोज पानी देते हैं, अब इतना पौधा निकला इतना, तो उसको कॉन्टेक्चुलाइज करना, क्योंकि जाहिर है एक वीडियो है उसमें हर चीज एक्सेलरेटेड मोड में जाएगी, तेज़ी से आएगी, उसको कॉन्टेक्चुलाइज करना, इसलिए कम से कम जब बच्चे 10-12 साल के ना हो जाएं, ये YouTube देख के बिठाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, साथ बैठें, एक्सपोजर ज़रूरी है, साथ बैठें और समझाएं कि you know, ये चीज़ हो रही है, लेकिन ये ऐसे असल जिंदगी में नहीं होती, ये सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है, इसमें कितना टाइम लगता है, इसका क्या मतलब होता है, उसके साथ साथ बुक्स इंट्रोड्यूस करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ जब आप वीडियो देखें, जब किताब में देखें, बहुत सारे डायमेंशंस बच्चों को समझ आने लगते हैं, फिर उन्हें समझ आती है कि जो चीज़ वो देख रहे हैं वो इतनी सिंपल नहीं है, उसके अंदर मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, और ये बिल्कुल छोटे बच्चों से, क्योंकि अगर छोटा बच्चा वीडियो या टीवी या यूट्यूब कंज्यूम कर सकता है, तो वो किताब भी कंज्यूम कर सकता है। बिल्कुल ठीक, और एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि वीडियो, किताब और एक्चुअलिटी, बच्चों को बाहर लेके जाएं, उनको कहें आज आओ भाई हम आधा घंटा बाहर स्पेंड करेंगे, चाहे गली में ही चले जाएं, और हम ढूंढेंगे मेरा फेवरेट पत्थर कौन सा है। बच्चा पत्थर उठाए, उसको हाथ लगाए, उसका टच, पत्ते, पत्थर, पत्तियां, शाखें, ईंट, इसी तरह देखने में ये सूरज है, चांद, रात को किसी वक्त छत पे ले जाएं और भी सितारे गिनते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बचपन में मुझे याद है रावलपिंडी में रात को गर्मियों में, उस जमाने में एयर कंडीशन वगैरह कहां होते थे, मैं इतना पुराना हूं, पहले तो जुगनू भी होते होंगे, हम मैंने जुगनू देखे हैं, आजकल के बच्चों ने मेरा ख्याल है जुगनू, तो बच्चों को नेचर से इंट्रोड्यूस कराएं, उनको छत पे लेके जाएं, हम तो रात को बैठ के बाकायदा सितारे अपने अब्बा के साथ गिना करते थे और डिस्कस करते थे कि ये वाले साइड आज ज्यादा रोशन है या ये जानिब ज्यादा रोशन है, बच्चों को सितारे दिखाएं, चांद दिखाएं, चांद का ग्रो करना और वापस आना, पहली के चांद से चौदहवीं के चांद तक का सफर, रोज रात को जाके 5 मिनट अगर आप बच्चे के साथ एक्सपीरियंस करें, इसी तरह से सूरज है, बादल है, तो स्क्रीन से जो उनका, जैसे सदफ ने कहा, जिंदगी का तारुफ स्क्रीन से हो रहा है, स्क्रीन के बजाय असल जिंदगी से भी उसका तारुफ, बिल्कुल, और जो चीज स्क्रीन से इंट्रोड्यूस हो रही है उसका कनेक्शन जोड़ना असल जिंदगी से, ये पेरेंट्स की बहुत बहुत प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ये हमने छोटे बच्चों की बात की, लेकिन फिर टीनेज आ जाती है, रिबेलियस एज होती है, और उस वक्त वीडियो की कंजम्पशन या किसी भी इंफॉर्मेशन की कंजम्पशन कंट्रोल करना ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उस एज में जब आपके बच्चे पहुंचना शुरू हो, जहाँ पे वो रिबेलियन वाले और माँ बाप की बात पे यू नो रेजिस्ट करने वाली, तो वहाँ उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन जो आपने ओवर टाइम बिल्ड की है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप अपने रूल ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं, लेकिन
कह दिया तो अमिताभ बच्चन हमारी परंपरा वाले नहीं, बल्कि समझाएं कि ठीक है ये मसला है, ये जो आपने चीज़ देखी ये दुरुस्त नहीं थी, ये आपकी एज के हिसाब से इसलिए दुरुस्त नहीं है, और ख़ुद भी रिजिड ना हो। अगर आपका बच्चा आपको कोई चीज़ बता रहा है कि ठीक है ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है, या ये मेरे सारे प्लेयर्स ने देखी हुई है सीरीज़ या सीज़न या जो भी, और मैं लेफ़्ट आउट फील करता हूँ वट एवर, तो ठीक है फिर आप देखें ऐसी चीज़ को बैठ के, जैसे आपने कहा कि ए टू जी उसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि इसकी एक्सपोजर नहीं होनी चाहिए, तो ये एक ऑन गोइंग कन्वर्सेशन होगी क्योंकि वक्त बदल रहा है। ग्रेट सदफ, जो कि एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सोशल मीडिया हाइजीन की, और इनका सेगमेंट आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फेसबुक हमारा पेज ब्रेकफास्ट एट होम, उस पर जाइए और इनबॉक्स कीजिए अगर आप अपने बच्चे की सोशल मीडिया ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, सदफ बखुशी उसका जवाब देंगी। सदफ मुझे मालूम है आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन बाकी के हमें अगले हफ्ते के लिए छोड़ने हैं क्योंकि अब हमें जाना है ब्रेक पे। बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट वीकेंड अहेड, हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक, और उसके बाद जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में तफसीली तारुफ करवाया था, डॉक्टर सादिक खटक हमारे साथ मौजूद होंगे हैं, वो कुछ अपनी अनोखी इजादात भी लेके आ रहे हैं और हमें वो गुर बताएंगे कि 3-4 साल के अंदर बहुत से PhDs और मास्टर्स और MPhils और पोस्ट मास्टर्स आप कैसे कर सकते हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलवाते हैं आपको डॉक्टर साहब से। ब्रेकफास्ट एट होम के इस खसूसी सेशन में, इस खसूसी नशिस्त में आज आपकी मैंने मुलाकात करवानी है एक ऐसे पाकिस्तानी से कि जिनकी कहानी जब मैंने सुनी तो यकीन जानिए मेरी आंखें नम भी हुई और मेरा सर फख्र से बुलंद हुआ। नौशहरा के पास एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला ये बच्चा जब बड़ा होना शुरू हुआ तो इसके वालिदैन ने ये फैसला किया कि हमने इस के लिए जो ख्वाब देखा है उसके लिए हमें हिजरत भी करनी पड़ेगी। वो हिजरत भी हुई, फिर उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से अपनी कहानी को लिखा कि फिर दुनिया ने वाह वाह की, दाद दी। 3.5-4 साल के कम अरसे में 2 PhDs, 2-3 मास्टर्स, पोस्ट मास्टर्स, 2 MPhils, और ये सारे काम फ्रांस और अमेरिका और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के बाद आज वो पाकिस्तानी नौजवान पेशावर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के शोबे में प्रोफेसर है। 2 उनकी बहुत ही यूनिक इजादात हैं जिनका आज हम जिक्र करेंगे, और ये आपको कुछ परिंदे से उड़ते हुए नहीं बल्कि ज़मीन पे मेरे साथ बैठे हुए तैरते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये एक जूता भी है जिसकी कहानी मैंने आपको सुनानी। आप सोच रहे हैं आज ये क्या टॉपिक है और ये क्या है, ये सब कौन कर रहा है? वो है डॉक्टर सादिक खटक साहब जो मेरे आज सुबह सुबह मेहमान हैं। डॉक्टर साहब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तौसीक भाई आपके बुलाने का, थैंक यू। सबसे पहले ये बताएं कि मतलब मुझसे BA इतनी मुश्किल से हुआ था तो आप ये मास्टर्स और पोस्ट मास्टर्स और MPhils और PhDs, ये क्या शौक है आपको डिग्रियों का, चक्कर क्या है? अच्छा, मैं जिस तरह आपने शुरू से तारुफ कराया, मेरा ताल्लुक ज़िला नौशहरा के एक पसमानदा इलाके निज़ामपुर से है। ठीक है। वहाँ पर हम रहते थे 90s में और बड़ी खुशी से ज़िंदगी गुजर रही थी, अच्छा घर था, घरों में गांव में जिस तरह बड़े घर होते हैं ना, ठीक है। मेरे वालिद साहब की जॉब थी अस्करी सीमेंट फैक्ट्री में जो हमारे गाँव के बिल्कुल अंदर ही है, डिस्टेंस उनका 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को। लेकिन जब हम लोगों ने मैट्रिक किया तो हमारे गाँव में कॉलेज नहीं था, तो मेरे वालिद ने ये फैसला किया और वालदा ने भी ये फैसला किया कि हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल में अच्छी तालीम दिलानी है, तो उन्होंने अपना घर जो हमारा गांव के अंदर था वो शिफ्ट किया नौशहरा सिटी में। ठीक है। तो मेरे वालिद का जो वो 5 मिनट का फासला सुबह और 5 मिनट का शाम का था, वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम में कन्वर्ट हुआ, लेकिन हमारा कॉलेज के साथ रब्ता बिल्कुल करीब हो गया। वाह। सो उस पोजीशन को देखते हुए जब हम वालिद की कुर्बानी देखते थे तो हमारे लिए वो जो कहते हैं कि फेलियर वाज नॉट एन ऑप्शन, हमने करना ही करना था। तो गवर्नमेंट कॉलेज नौशहरा से फिर FSC की, FSC में भी पहली अटेम्प्ट में मेरे नंबर कम आए, फिर दूसरी दफ़ा मैंने ये जिसको
कह रहे ना मेरे नंबर कम आए, मैं चाहूंगा जरा नंबर भी आप सुन लें। माशाल्लाह 734 नंबर थे और इसको डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नंबर कम आए, मतलब 734 नंबर मेरे आ जाते हैं एफएससी में, तो मैंने तो 1.5-2 साल पढ़ना ही नहीं था इस खुशी में। अच्छा तो सी भाई फिर मैंने दोबारा उसको एफएससी का एग्जाम दिया, रीअपीयर हुआ। ये उसी स्ट्रगल की तरफ एक कहानी है कि हमेशा आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा कंटिन्यूस एफर्ट करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हिम्मत है तो पैदा कर, फिरदौसी बरी अपनी, मंगी हुई जन्नत से दोजख का अजाब अच्छा। तो हमें जो करना है वो खुद ही करना था। फिर उसके बाद सेकंड टाइम कितने नंबर आए? फिर 821 नंबर आए मेरे। 821 जी। अच्छा 734 में भी आपको दाखला तो मिल गया था? दाखला तो मुझे मिल गया था, मुझे UET पेशावर में दाखला मिला था, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश थी जिस टेक्नोलॉजी में जाने के लिए जिसमें मुझे एक्सेल करना था, उस टेक्नोलॉजी में अनफॉर्चुनेटली मुझे उस साल नहीं मिला। जब मुझे अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में दाखला मिला तो अल्लाह ताला के फजल व करम से मैंने 4 साल के अंदर जो इंजीनियरिंग की मैंने कंटिन्यूसली टॉप किया, और पिछले 55-60 साल में जो UET पेशावर, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर कहते हैं, उस अरसे में ना उतने नंबर पहले किसी ने लिए और ना आज तक लिए, और ना आज तक किसी ने लिए। कितने नंबर थे वो? मेरे 92% एनुअल सिस्टम में मेरे नंबर थे, GPA में वो 4x4 GPA आ रहा था। 92% जी। और ये पूरी हिस्ट्री ऑफ UET पेशावर में इतने नंबर आज तक किसी ने ना पहले किसी ने लिए थे, मुझे इंजीनियरिंग किए हुए 13-14 साल हो गए हैं, ना उसके बाद किसी ने लिए। अच्छा, साथ साथ क्योंकि बहुत से नौजवान यंगस्टर्स टीनेजर्स भी हमारे नाजर हैं और उनके जहन में जो सवाल आ रहा होता है ना, तो वो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ आपसे जरूर पूछा जाए। आप क्या समझते हैं कि ये मुमकिन हुआ 24 में से 32 घंटे पढ़ने से? कितनी देर पढ़ते थे? असल में क्वालिटी मैटर करता है, और कॉन्फिडेंस जो आपको घर से मिलता है, यानी क्वालिटी टाइम में बात कर रहा हूँ, आपको सोना भी है, आपने नमाज भी पढ़नी है, आपने खाना भी खाना है, आपने फैमिली को भी टाइम देना है, लेकिन जो टाइम आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी रिसर्च के लिए हो वो क्वालिटी टाइम हो। और वो क्वालिटी टाइम पेरेंट्स की सपोर्ट के बग़ैर मुमकिन नहीं है। एक बात जो मैं आपकी वसातत से पेरेंट्स तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि आज से 15 या 20 साल के पहले जो प्रॉब्लम्स हुआ करते थे वो नॉर्मली फिज़िकल डिजीज़, हाथ ज़ख्मी है तो बीमार है, पांव ज़ख्मी है तो बीमार है, आजकल मेंटल हेल्थ जो है, आपका जो माइंड सेट है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के बाद है कि बंदा आपको ठीक ठाक नज़र आ रहा होगा लेकिन उसको मेंटल प्रॉब्लम्स हुआ करेगी। इस सूरत में आपके पेरेंट्स की, आपकी कंपेनियंस की, आपकी कुलीग्स की जो आपके साथ कोऑपरेशन है, सपोर्ट है और एक अंडरस्टैंडिंग है, वो आजकल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके आगे जाने में। आपसे बातें इतनी ज़्यादा करनी और कहानी इस कदर दिलचस्प है कि मैं चाहूँगा हम तेज़ तेज़ आगे बढ़ें। फिर आप फ्रांस चले गए। हाँ। और वहाँ से आपने पहली PhD किसमें की? मैं जब वहाँ से इंजीनियरिंग से मैंने फारिग हुआ UET पेशावर से, मैंने सारी कैटेगरीज में गोल्ड मेडल्स ली। उसके बाद मैं फ्रांस गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लोरेन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रेंच था। फ्रांस में उसी तरह बोलता हूँ जिस तरह मैं अपनी पश्तो बोलता हूँ, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 4-5 languages बोल देता हूँ, फ्रीक्वेंटली बोल देता हूँ। ये कब सीखी? ये यहीं पाकिस्तान से सीख के गए या साथ साथ वहाँ पे? हाँ, कुछ वहाँ पे, कुछ यहाँ पे सीखी, लेकिन कुछ वहाँ पे जाने के बाद वो कल्चर ही ऐसा था कि लैंग्वेज सीखने के बगैर सर्वाइवल नहीं हो रही थी, तो वो हम लोगों ने सीख ली। फिर मैंने फ्रांस से अपना पहला मास्टर किया मैकेनिक्स मटेरियल्स स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस में। फिर मैंने सोचा कि मुझे इससे भी बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना है, तो GRE एक एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, अमेरिकन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया की छोटी की 5 universities में इसका शुमार होता है। मैं फ्रांस से वहाँ पर चला गया, मैंने अपना दूसरा मास्टर वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, वहीं से मैंने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करके अपनी पहली PhD कंप्लीट की। वो इनर्जी के वक्त तवानाई के ऊपर थी। अब फ्रांस वापस आया, फ्रांस से मैंने अपनी दूसरी PhD कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने, वो किस में थी? वो मटेरियल्स में थी। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट कंप्लीट किया। ये 2 MS, 2 PhDs और 1 postdoctorate, ये 4 साल और 8 या 10 महीने के अंदर मैं कंप्लीट कर चुका था। हाउ इज इट पॉसिबल डॉक्टर? बस एक अंतक मेहनत थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कैसे, मतलब इसका मतलब है आप क्या समझते हैं कि आपका, आपके जहन के जो खुलिये हैं वो एक आम इंसान से डबल स्पीड पे चलते हैं? नॉर्मली है, अल्लाह ताला ने इंसान को एक अशरफुल मखलूकात बनाया है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप फोकस्ड हो, कमिटेड हो, डेडिकेटेड हो अपने प्रोफेशन के साथ और अपने काम के साथ,
कुछ भी नामुमकिन नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ पर बाहर के ममालिक में आपको इल्म है, अच्छी तनख्वाही आपको मिलती है, अच्छी मरात आपको मिलती है, अच्छी सेटलमेंट आपको मिलती है, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि मैंने उस मिट्टी में जाना है, उस गांव में जाना है और उस मुल्क में जाना है जिसका मुझ पर कर्ज है। और फिर डॉक्टर साहब वापस आए और ये कहानी, वापस आने के बाद की जो कहानी है ये हम आपको तब सुनाएंगे जब आप इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी मिलते हैं। डॉक्टर सादिक खटक आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक इंस्पिरेशनल कहानी है एक ऐसे पाकिस्तानी की कि जिसकी कहानी में बहुत सी कहानियां हैं और आज ये कहानी हम सुनाने बैठे हैं ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आप सबको। डॉक्टर साहब तो कहानी यहाँ तक पहुंची कि फिर उसके बाद आपने माशाल्लाह दो PhDs करके जितनी क्वालिफिकेशन आपने हासिल कर ली थी, यकीन जानिए मैं भी बैरूनी ममालिक में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ और घूमता फिरता रहता हूँ, मुझे अंदाज़ा बखूबी है कि आपको कितने ज़्यादा पैसों की नौकरियां मिल सकती थीं फ्रांस में भी अमेरिका में भी। क्या बताइए वाकई होता है मैं अपने मुल्क जाके अपने गांव जाके वहां की खिदमत करना चाहता हूं, मुश्किल फैसला हो वो क्या मोमेंट क्या थी? मुश्किल फैसला तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये होता है जब आप वापस आते हैं, हो सकता है कि ये सिस्टम आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो जब आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको इनक्रेज करते हैं, या जब आप एक इंस्पिरेशन बनते हैं उस जनरेशन के लिए जिस स्टेज से आप गुज़र चुके हैं और आप उनके लिए कुछ करते हैं, उनके लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस लेकर आते हैं, तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन एट लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ ज़रूर मिलती है। अल्लाह ताला ये देख रहा है। मैं जो आपसे ये जिक्र कर रहा था कि जिस गाँव से हम निकले थे, अभी उस गाँव के लोग जो उस टाइम मेरे वालिद के उस फैसले को गलत कह रहे थे, मैंने उसको दुरुस्त साबित करना था। वो जो बड़ा घर था, वो जो ज़मीन थी, वो उधरी की उधरी पड़ी हुई है, वो कुछ टाइम तक यानी बंजर रही, लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद मैंने उसको आबाद किया, उसको डेवलप किया, वहाँ पर एक बाग बनाया ताकि लोगों को ये एक इंस्पिरेशन मिले कि वापसी पर आपका जो टाइम है वो गुजर जाता है, वो दोबारा नहीं आता, ये चीज़ें दोबारा आ जाती हैं। अब उस घर में कौन रहता है? अभी उस घर में कुछ दोस्तों को मैंने दिया हुआ है एक जगह, लेकिन जिस घर में हम लोग नौशेरा में रहते थे वो तकरीबन 3 से 4 मरले का मकान था, मुझे याद है उन दिनों 600 रुपये उनका किराया था। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वो घर लूँ क्योंकि वो रेंटेड था और वो एक रो में जिस तरह 8-10 मकान होते हैं, मैं उस मकान मालिक के पास गया और मैंने उसको कहा कि मुझे यही घर चाहिए, और वो चूँकि दरमियान में था क्यों चाहिए, मैंने कहा ये इसलिए मुझे चाहिए कि ये मैंने एक ऐसे ही दूसरे बंदे को मुफ्त देना है रेंट के ऊपर, मैंने उनसे रेंट नहीं लेना, सिर्फ एक कंडीशन है कि उसने अपने बच्चों को तालीम देनी है। वो घर मैंने लिया और एक ऐसे बंदे को दिया कि इसमें आपने मुझे कुछ रेंट वगैरह नहीं देना, आपने फ्री रहना है, लेकिन आपने अपने बच्चों को इसमें तालीम देनी है। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी डॉक्टर साहब आप जो हैं वो बड़े मज़े मज़े के काम कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पेशावर में जहाँ से इन्होंने खुद तालीम हासिल की वहाँ पर अब एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और अपने जैसे बहुत से नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है। अब ज़रा हम कुछ बात करेंगे कि कुछ डॉक्टर साहब की एज ए मैकेनिकल इंजीनियर कुछ इजादात हैं जो कि अभी प्रैक्टिस में नहीं आई, लेकिन उनके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं और आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा उस हवाले से कुछ सोच भी रही है और कुछ काम भी होने वाला है। पहले ये बताए ना कि जी ये जो देखें ये ऐसे लग रहा है कि मुझे जामनी रंग का एक परिंदा है जी जी, या कोई ग्लाइडर जहाज है, इसके बारे में बताइए क्या है ये? बेसिकली एक फ्लाई बर्ड है और इसको हमने 3 मकासिद को मद्देनजर रखते हुए डेवलप किया है। वो 3 मकासिद ये हैं कि पहला मकसद जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल है। अच्छा, कि इसको हम सर्वेलेंस के जरिए रिमोटली आराम से ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो इसका ट्रैफिक कंट्रोल से मुराद ट्रैफिक को सुपरवाइज करना, हाँ, उसको डायरेक्शंस देना, वो पैगामात उनको पहुंचाना कि इस टाइम पे ये रोड बिजी है, ये रोड फ्री है, ये रिमोट से चलता है। बिल्कुल, ये रिमोट से चलता है। इसमें और एक वो जो हमारा ड्रोन कैमरे वाली चीज होती है, हाँ,
उसमें क्या फ़र्क है? उसको मैं उसी तरह की तरफ मैं आ रहा हूँ। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव वो ये है कि ये स्पाइंग के लिए या इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन के लिए ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, वेदर की इंफॉर्मेशन की कलेक्शन के लिए भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो आपने पूछा कि वो जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, दैट इज़ फ्लैट विंग। अच्छा। मतलब उसके जो विंग्स हैं दे आर फ्लैट, उसको बड़े आसानी के साथ पहचाना जा सकता है। सर्वेलेंस के लिए आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो है दिस इज जस्ट लाइक अ बर्ड, मतलब दिस फ्लाइज लाइक अ बर्ड, मूविंग विंग वाला। ये जो हम लोगों ने सारा जो हम लोगों ने ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप कराया हुआ है। प्लस इसके मुख्तलिफ साइजेस हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इसकी स्पीड लोग हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी हाइट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियोस इसके ऊपर वर्किंग मॉडल में। लेकिन जब हवा में उड़ रहा होगा तो जामनी रंग का परिंदा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, तो पकड़ा जाएगा? ये तो हमने पर्टिकुलर पैराशूट से इसकी वेट कलेक्शन, इसका जो बैलेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस इसको हम लोगों ने जो नॉर्मल आम परिंदे हैं उनके साथ उड़ा के दिखाया है, और उनमें आपके लिए डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब आप नीचे से देखते हैं। रंग जाहिर है उस वक्त इसका फर्क होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो आप हमारे सेट से मैच करके एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसी तरह। अच्छा, ये तो गुडी कागज नुमा चीज है। बिल्कुल। तो बारिश में तो ये नहीं, बारिश के लिए इसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर जिसको हम कोटिंग कहते हैं, एक पर्टिकुलर कोटिंग इसके ऊपर की जाती है। उस कोटिंग से बाज़ औक़ात अगर हम चाहें तो मुख्तलिफ शेड्स देकर अंधेरे के अंदर, बादल के अंदर इसकी पहचान बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक और इजाद की जानिब, जो कि ये है। ये बज़ाहिर एक आम जॉगर है, जूता है, लेकिन ये आम जूता नहीं है, ये खास जूता है। खास जूता बताइए जी। अच्छा, ये इस तरह से है कि ये हम लोगों ने एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। ये जो पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है इसकी ये खूबी है कि जब ये मूव होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये इसका सोल? ये जो मटेरियल खुद, हाँ okay. वो मटेरियल तो हम लोगों ने पर्टिकुलर लोकेशंस के ऊपर, इस तरह हील है जहाँ पर प्रेशर कम एरिया में ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो, वहाँ पर इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोगों ने एम्बेड किया। अच्छा। वो एम्बेड हम लोगों ने, चूंकि हम लोग ये भी नहीं चाहते थे कि इस शू का ज़्यादा डिज़ाइन चेंज हो या चलने फिरने में मुश्किल हो, तो हम तो वैसे भी चलते फिरते हैं, वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को मूव करती है। उसकी मूवमेंट से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट किया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टोर करके गैजेट्रीज, कैमरास, मोबाइल फ़ोन्स, हम लोग उस जगह पर इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप हाइकिंग के लिए चले जाएं, या आप किसी नारान वगैरह किसी ऐसी लोकेशन में हैं जहां पर आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है, तो आप इन जूतों को पहनकर एक घंटा वॉक करके आराम से अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज कर सकते हैं। लो जी लो, मसला हो गया हल। अच्छा, और ये फ़ोन इससे कनेक्ट हो जाएगा? इसके साथ तो हम लोग एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करते हैं, वो नॉर्मली उससे फिर हम लोग डीसी पावर, जो डायरेक्ट करंट होती है, एक एसी होता है एक डीसी, वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी रिसर्च की फेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी भी ये वर्किंग मॉडल है, हम ऑलरेडी वोल्टेज प्रोड्यूस करके उसको सिक्योर करने के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। अभी हमारी ख्वाहिश ये है किसी अच्छी शू कंपनी, पाकिस्तान में काफ़ी सारी शू कंपनियाँ हैं, वो हमें एक पर्टिकुलर सोल डिज़ाइन करके दे दे ताकि ये एम्बेड हो, और फिर इसकी हम कमर्शलाइज लेवल के ऊपर मुख्तलिफ शो मुख्तलिफ रूम्स के अंदर जो शूज वाले हैं वहाँ पर पड़ी हो कि ये वो शू चार्जर है। लो जी, शू चार्जर इजाद हो चुका है। वो लोग जिन्होंने लंबी लंबी फ़ोन पर तवील गुफ्तगू करनी होती है और फिर चार्जिंग बैटरी चार्ज करने का एक बहुत बड़ा इशू है, तो डॉक्टर साहब और इनकी टीम ने ये इजाद किया। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर सादिक खटक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन का एक सैलाब इंटरनेट के ज़रिए आ रहा है, उसमें अपने जैसे ये साइंस के और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और बच्चों के लिए तालीम के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह हैं, या इनकी तरफ से कोई टिप्स, क्योंकि अब इनका फ्रांस और अमरीका का भी बहुत वसी तजुर्बा है एक तालिब इल्म की हैसियत से भी, तो ये हम इनसे ज़रूर जानेंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।
डॉक्टर सादिक खटक की इनक्रेडिबल कहानी आज हमारे साथ है ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे। और प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होने वाला है, लेकिन मैं जाते जाते एक और ईजाद का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। बगैर बिजली बगैर गैस के गीजर, लो जी गर्म गर्म पानी सुबह सुबह नहाने में कोई मसला नहीं। ये हम लोगों ने एक ऐसा गीजर डेवलप किया है जहाँ पर घरों में वुड से कुकिंग होती है, ठीक है। 30-35% हीट एनवायरनमेंट में जा रही थी, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही थी, हीट भी वेस्ट हो रही थी, लकड़ी भी ज़ाया हो रही थी। उस हीट को हम लोगों ने सिक्योर करके पाइपिंग के जरिए एक गीजर में कन्वर्ट किया। ये हीट पानी गर्म करती है, ये पानी नेक्स्ट 48 आवर्स तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम लार्ज और स्मॉल तीन किस्म की फैमिलीज़ के लिए 5 बंदों से लेकर 15 बंदों तक ये हम लोग गीज़र डेवलप कर चुके हैं। ऑलरेडी मार्केट में इसको हम लोग कमर्शलाइज़ भी कर चुके हैं। तो जिस एरिया में गैस या बिजली होती है लेकिन उसका लोड शेडिंग हो, या जहाँ पर होती ही नहीं है वहाँ पर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके इसका बड़ा अच्छा इनपुट आ रहा है। डॉक्टर साहब, आप ज़ाहरा के ज़ाहरा विद योर एक्सपीरियंस और आपकी इस वक्त जो पेशावर यूनिवर्सिटी में टीम है, आप लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तालीम दी जा रही है, एंड वी आर सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ पीपल लाइक यू। जाते जाते मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप बताएं कि वो यंगस्टर्स या वो पेरेंट्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो बच्चों को इंजीनियरिंग और साइंस के अंदर उनका मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, उनको 2-4 क्या टिप्स देंगे, खासतौर पे मुल्क से बाहर पढ़ाने के हवाले? ठीक है। अच्छा तौसीक भाई, पहली बात तो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ मैटर ऑफ टेम्परामेंट, यानी ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट अगर ये चाहे कि मेरा बेटा साइंटिस्ट ही बने और उसका टेम्पो ना हो, तो मेरे ख्याल में उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं आना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। दूसरा, आजकल दो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन है, और दुनिया जहान के अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स आए हुए हैं। सबसे पहले इन लाइन करें अपने ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप लोग इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो आजकल क्वालिफिकेशन का दौर है। आप अमेरिका, जर्मनी, आई हैव बीन इन ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज, मैं 26 ममालिक में कहीं पे महीना, कहीं पे 2 महीना, कहीं पे 8 दिन मैं देख चुका हूँ। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ दुनिया ग्रो कर चुकी है। अब नॉलेज बेस्ड में खाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें आर्ट्स भी है, इसमें लिंग्विस्टिक्स भी है, इसमें इंजीनियरिंग भी है। तो पेरेंट्स अपने बच्चे के टेम्पो को देखें। अगला, वो आइडेंटिफाई करें कि कौन से सेमेस्टर के लिए वो जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो फॉल सेमेस्टर के लिए जाना चाह रहे हैं, सो दिस इज़ दी बेस्ट टाइम कि वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, उनकी रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन, जिस तरह आईलेट्स आपने देखा होगा, टॉफल आप लोगों ने देखा होगा, GRE आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जो रिक्वायर्ड एग्जाम्स हैं उनके जो बैंड्स हैं आपको चाहिए, वो क्वालिफाई करें। वो क्वालिफाई करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड रिसर्च प्रपोजल्स, दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी पोस्ट इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ब्लाइंड आप नहीं जा सकते कि आप जाएंगे तो आप करेंगे क्या, और वो जो आप कर रहे हैं उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी अहम है। उस फील्ड में दुनिया में क्या हो रहा है, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी उसमें, और फ्यूचर प्लान आपका टुवर्ड्स द नेशन क्या है। आखिरी जो सजेशन मेरी है वो यही है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए, और हम इंडिजिनस प्रॉब्लम्स, जो हमारे इंडिजिनस मसाइल हैं, उन मसाइल्स को आइडेंटिफाई करके उनकी सोल्यूशन प्रपोज करके वो टेक्नोलॉजी बाहर से इस मुल्क के अंदर लेकर आएँ। फ्रांस की कौन सी चीज याद आती है? चीज, अब जाहिर है किसी शख्स का तो मैं पूछ नहीं सकता। फ्रांस की उसके ये मशहूर कि वहां पर जो चीज आप आज खा लें तो 365 दिन के बाद फिर उसके खाने की बारी आती है। दे आर सो वर्सटाइल इन टर्म्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आप वो वहां का मक्खन, वहां का पनीर, चीज, दूध, वो आपको याद? बिल्कुल, एनवायरमेंट, उनके लोग, लैंग्वेज, फ्रेंच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस। और हम इंशाल्लाह उसमें करीब 3-6 महीने तक डिप्लोमा फ्रेंच लैंग्वेज में ऑफर करेंगे। आखिरी सवाल, एक और PhD करने की हिम्मत है? करवाने की हिम्मत बहुत ज्यादा है कि लोगों को करवाओ। एग्जैक्टली। डॉक्टर सादिक खटक, जिन्होंने 2 PhDs और ना जाने कितने मास्टर्स और MPhils और फ्रांस और अमेरिका का एक्सपीरियंस लेने के बाद नौशहरा के पास एक गांव से जिंदगी शुरू करने वाला शख्स दोबारा से वापस आके कंट्रीब्यूट बैक कर रहा है। जो हम अक्सर क्लीशेड बातें करते हैं ना, हाँ जी पाकिस्तान से बाहर जाएंगे और वापस आके अपने मुल्क को, कौम की खिदमत करेंगे, ये कई दफा अल्फाज बेमानी से लगने लग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर खटक से मिलकर इन अल्फाज की मानवियत पे एतमाद भी हुआ और एतबार भी आया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये खसूसी नशिस्त डॉक्टर सादिक खटक के साथ हमारे साथ एक्सपीरियंस की।
आज की इस कहानी से यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सी इंस्पिरेशन मिलेगी। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि अपनी सारी इंस्पिरेशन को बाकायदा चैनलाइज करके, स्टेप वाइज प्लान करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करना। बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।